ओके सो दिस इज पेज नंबर टेन ऑफ माय नोटबुक और आज हम देखने वाले हैं कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बाय यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट तो यदि मेरे पास किसी नंबर का आर्स कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उससे सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन के जैसा हो जाता है और बाइनरी नंबर के सिस्टम में ये हमारी बहुत हेल्प करने वाला है सो so, पहले हम देख लेते हैं कि आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट या आर्स कॉम्प्लीमेंट को यूज करके कैसे सब्ट्रैक्शन होगा सो आर्स कॉम्प्लीमेंट से कैसे सब्ट्रैक्शन होगा वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और अपोजिट साइड पर यानी कि यहाँ पर मैंने आर माइनस वंस से सब्ट्रैक्शन का मैथड बताया हुआ है दोनों मैथड्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है क्यों और वो डिफरेंस भी इस वजह से है क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट है वो आर्स कॉम्प्लीमेंट से एक कम होता है एल में यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में तो वो डिफरेंस बस उस वजह से आता है सो so, हम उसको आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले समझते हैं और उसके बाद आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के लिए भी समझेंगे सो so, सपोज मेरे पास ये जो दो नंबर्स हैं एम और एन इन्हें मुझे सब करना है यानी कि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है कैपिटल एम माइनस कैपिटल एन और जो एम नंबर है मेरे पास वो है सेवन टू फाइव थ्री टू और एन जो है वो थ्री टू फाइव जीरो है सो so, पहला स्टेप तो ये होगा मेरे पास कि दोनों नंबर में मैं डिजिट्स को इक्वल कर लूँ यानी कि एम के अंदर मैं देखता हूँ सेवन टू फाइव थ्री टू यानी कि टोटल पांच डिजिट्स हैं और एन के अंदर चार ही डिजिट्स हैं सो so, मुझे पहले इनको पांच डिजिट में कन्वर्ट करना होगा यानी कि एन के लिए मैं एक जीरो आगे एक्स्ट्रा अपेंड करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्स आपके गलत निकल कर आएंगे सो so, पहले मैंने ये कर लिया इतना करने के बाद जिस नंबर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि यहां पर मुझे n को सब्ट्रैक्ट करना है m में से तो जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है m माइनस एन मुझे करना है तो मैं n का निकाल लूंगा टेंस कॉम्प्लीमेंट क्योंकि मैं आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को यूज करके सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं और मैंने नंबर्स को मान लिया है कि ये टेन के बेस में है ऑलरेडी सो पहले मुझे चाहिए इस नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि जीरो जीरो का टेंस कॉम्प्लीमेंट और ये बात दिमाग में रखिए कि जीरो थ्री टू फाइव जीरो का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा और थ्री टू फाइव जीरो सिर्फ का जो टेंस कॉम्प्लीमेंट आएगा वो दोनों अलग अलग होंगे सो so, इसीलिए नंबर्स को हमने पहले पांच डिजिट का बनाया उसके बाद अब मुझे चाहिए टेंथ कॉम्प्लीमेंट तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का शॉर्टकट ये होगा कि पहले मैं उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल लू और उसके बाद उसमें वन ऐड कर दू और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बेस टेन में मैं जानता हूँ कि टेन माइनस यानी कि नाइन में से मुझे हर डिजिट को माइनस कर देना होगा सो so, वो चीज मैंने यहाँ पर कर रखी है नाइन नाइन तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है नाइन सेवन फोर नाइन और इसमें मैं अगर एक जोड़ देता हूँ तो मेरे पास उसका टेंथ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है यानी कि दिस इज़ नाइन सिक्स सेवन फाइव जीरो सो ये बात मुझे समझ में आ गई और इसके बाद मैंने जो मेरे पास टेंथ कॉम्प्लीमेंट आया है इसको ओरिजिनल नंबर यानी कि ये जो कैपिटल एम मेरे पास था इसमें ऐड कर देता हूँ सो so, ये रहा ऑरिजिनल नंबर और ये रहा मेरे पास जो मैंने टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है कैपिटल एन का तो उसको मैंने दोनों को ऐड कर दिया दोनों को ऐड करने के पास मेरे पास ये नंबर निकल के आता है और ये नंबर है वन सिक्स नाइन टू एट टू अब यहाँ पे मैं देखूंगा क्योंकि जो पहला वाला नंबर है कैपिटल एम वो बाद वाले नंबर कैपिटल एन से बड़ा था ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसमें एक रूल ये है कि जो एक्स्ट्रा कैरी मेरे पास आती है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा और जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बन के आता है वो होगा सब्ट्रैक्शन कैपिटल एम और कैपिटल एन का अब आप कैपिटल एन को कैपिटल एन में से सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये वैल्यू निकल कर आती है कि नहीं सो तो ये मेथड हुआ सब्ट्रैक्शन का सो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि यदि मैं ओरिजिनल नंबर यानी कि कैपिटल एम में टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर कैपिटल एन को सब दोनों को केवल ऐड करता हूं तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन निकल के आ जाता है सो so, आप कहेंगे कि भाई ठीक है हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन तो निकल कर आ गया लेकिन जो एंडस कॉम्प ये जो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का प्रोसीजर है उसमें तो हमने इसको 9999 में से माइनस किया था तो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्शन तो मुझे करना ही पड़ रहा है सो so, हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन पूरी तरीके से सब, जो सब्ट्रैक्शन है वो केवल एडिशन के थ्रू ही अकम्पलिश हो गया अल्टीमेटली इस पार्ट को निकालने के लिए तो मुझे माइनस करना पड़ा था ना सो so, वो हम कैसे कह सकते हैं सो so, वो हर बेस के लिए लागू नहीं है बात वो सिर्फ बाइनरी बेस के लिए लागू होती है यानी कि बेस टू के लिए लागू होती है और क्योंकि हम सारे कैलकुलेशन टू के बेस में ही करेंगे इसीलिए वहां पर हमको ये सब्ट्रैक्शन करना नहीं पड़ेगा सो so, वो हम देखते हैं एक बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल लेके जो कि यहां पर लिखा हुआ है बाइनरी uh, नंबर का एग्जाम्पल वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे यहाँ पर हमने दूसरा वाला एग्जाम्पल लिख लिया हुआ है जहां पर कि जो कैपिटल एम है वो है जीरो थ्री टू फाइव जीरो और कैपिटल एन जो है वो सेवन टू फाइव थ्री टू है यानी कि अब यहाँ पर कैपिटल एन जो है वो कैपिटल एम से बड़ा है सो so, इस केस में भी मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है कैपिटल एन का मैंने निकाल लिया है यानी कि जिस नंबर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर का मैंने निकाल लिया है टेंथ कॉम्प्लीमेंट जिसमें मैंने पहले उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उसमें वन ऐड किया वो प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद जो मेरे पास रिजल्ट आता है क्योंकि रिजल्ट में मेरे पास कोई कैरी नहीं आई है जब मेरे पास कोई कैरी नहीं आई है तो उसका Uh, जो डिफॉल्ट मतलब है वो ये है कि जो आपके पास आंसर आया है निकल के वो अपने खुद के ही कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है वो अपने खुद के आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ है यानी कि ये जो थ्री जीरो सेवन वन एट मेरे पास आंसर आया है इसमें मेरे पास कोई भी एडिशनल कैरी जनरेट नहीं हुई तो इसका बाय डिफॉल्ट ये मतलब होगा कि इस नंबर का जब मैं टेंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा लूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा और उसके आगे मुझे एक नेगेटिव साइन प्लेस करना होगा सो जो कैरी नहीं आने के दो मतलब हैं कि आपको जो रिजल्ट आया है उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेना है यानी कि उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेना है और फिर उसके आगे एक नेगेटिव साइन प्लेस करना है क्योंकि जो नंबर एन था वो एम से ग्रेटर था तो वही मैंने किया हुआ है यहाँ पर इस आंसर का मैंने टेंथ कॉम्प्लीमेंट ले लिया है पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लिया फिर उसमें वन ऐड किया तो मेरे पास उसका टेंथ कॉम्प्लीमेंट आ गया और फाइनली उसके आगे मैंने माइनस प्लेस कर दिया सो so, अगर मेरे पास कैरी आती है तो जो रिजल्ट है मेरे पास वही का वही आंसर होता है ये यह मैंने यहां पर देख लिया था उसमें से हम कैरी को हटा देते हैं और यदि मेरे पास कैरी नहीं आती है तो रिजल्ट का मुझे फिर से टेंथ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है या आर्थ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है और उसके आगे एक माइनस साइन को प्लेस कर देना पड़ता है कैरी ना आने का मतलब है कि जो बाद वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से बड़ा था

इसमें से जब इससे माइनस कर दिया तो इसको ओरिजिनल नंबर यानी कि सेवन टू फाइव थ्री टू में उसे ऐड भी कर दिया तो ये जो मेरे पास एन आया था उसको एम में ऐड कर दिया उसके लिए मैंने ये स्टेप दिखाया हुआ है दोनों को ऐड करने से मेरे पास जो रिजल्ट आता है उसमें कैरी निकल के आती है सो कैरी निकल के आती है तो वो ये इंडिकेट करता है कि नंबर अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन क्योंकि आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आर कॉम्प्लीमेंट से एक छोटा होता है इसीलिए इस कैरी को डिस्कार्ड करने के बजाय मैं इस कैरी को ही इसमें ऐड कर देता हूँ इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आता है वो बनता है सिक्स नाइन टू एट टू और वो आप देखेंगे कि जो मैंने इसमें रिजल्ट निकाला था इसके भी बराबर है तो चाहे आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट हो या आर्स कॉम्प्लीमेंट हो या कोई भी मेथड हो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट तो अल्टीमेटली सेम ही आना है सो so, ध्यान हमें इतना रखना है कि आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट में कैरी का आने का मतलब है कि नंबर जो है उसमें जो पहला नंबर था वो पॉजिटिव था पहला नंबर बड़ा था और बाद वाला नंबर छोटा था और उस वजह से मैंने कैरी आई है और उस कैरी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यदि कैरी आती है तो उसका मतलब यह है कि जो पहला वाला नंबर था वो बड़ा था और जो बाद वाला नंबर था वो छोटा था इसलिए मेरे पास रिजल्ट पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आने की वजह से क्योंकि आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा है तो मुझे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में एक वन ऐड करना पड़ेगा तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि कैरी आती है तो मैं इसको डायरेक्टली इसी में ऐड कर देता हूँ इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में तो ये जो नंबर मेरे पास निकल के आता है ये नंबर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा इसी तरीके से जब मेरे पास पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटा होता है सो उस केस में मैंने सेम प्रोसीजर लगाया है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के एन का जो है मैंने आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसको मैंने ऐड कर दिया ओरिजिनल नंबर कैपिटल एम में उसके ऐड करने के बाद मेरे पास कोई कैरी नहीं आई तो किसी कैरी नहीं आने का मतलब मेरे पास ये होता है कि जो नंबर है उसका जो रिजल्ट मेरे पास आया सब्ट्रैक्शन का वो नेगेटिव है और यदि नेगेटिव है तो मुझे उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेना पड़ेगा क्योंकि मैं अब आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में काम कर रहा हूँ और उसके आगे एक माइनस साइन को प्लेस कर देना पड़ेगा सो so, आप देखेंगे कि रिजल्ट दोनों में फिर से सेम निकल कर आया है सो so, ये तरीका हुआ कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट और हमने देखा कि जिस नंबर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है यदि उसके आर्स कॉम्प्लीमेंट या आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को जिस नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसमें ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो मेरे पास अल्टीमेटली उसका सब्ट्रैक्शन ही आ जाता है सो so, आ, लेकिन इसमें एक डाउट जो हमारे पास आता है वो ये है कि आर्स कॉम्प्लीमेंट या आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालते टाइम हमने ये वाला सब्ट्रैक्शन तो किया ही था सो तो फिर इस मेथड का यूज किया है क्यों हम डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर लेते तो उसका आंसर हम देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इस वीडियो में इतना ही